साइन एक्स बाई टू का, वही बात करेंगे हम। इसके पीरियड की बात करेंगे। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का होता है 2 पाई। तो साइन एक्स बाई टू का पीरियड क्या हो जाएगा? साइन एक्स बाई टू का पीरियड क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, 2 पाई बाई 1 बाई 2 कर दूं मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 पाई। यानी कि ये अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा? 4 पाई के बाद। ये अपनी वैल्यू कब रिपीट करेगा? 4 पाई के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है वो क्या होगा? 4 पाई। ग्राफ की बात करते हैं तो हम देखेंगे ग्राफ। सर इसके रेंज की भी बात करोगे? बिल्कुल करेंगे। चलो रेंज की बात करते हैं पहले। हाँ जी, साइन एक्स के रेंज क्या होगी? साइन एक्स की आपकी रेंज होती है -1 से 1। तो सर साइन एक्स बाई टू की रेंज मैं बोलूंगा जब अनचेंज होता है तो बाहर नो चेंज होता है। ये आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा कि अंदर कुछ चेंज होता है, अंदर मतलब फंक्शन में कुछ चेंज होता है तो बाहर नो चेंज होता है, रेंज में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो सर ये अब पहले कंप्लीट हुआ था, अब क्या होगा? अब वही 5 होगा, स्टेज होगा। तो इसको थोड़े से टाइम हम इसको किस तरीके से बोलेंगे? सर मैं से बोलूंगा कि इसको आप बोल सकते हो कि ये स्टेज होगा, तो आप लिख सकते हो कि ग्राफ विल बी स्ट्रेट। कितने टाइम होगा भाई? ये 2 पाई पे मिल रहा था, ये 2 पाई पे मिल रहा था, लेकिन इसका डबल हो गया है, ट्वाइस हो गया है। जैसे थोड़ी देर पहले हाफ था, थोड़ी देर पहले हाफ हुआ था, ये 2 पाई पे मिल रहा था तो ये पाई मिल रहा था, तो हमने लिखा था कि हाफ हुआ है। ये देखिएगा हाफ, तो यहाँ क्या है? ट्वाइस हुआ है, तो कोई दिक्कत हुई ना? हमने लिख दिए हैं कि ट्वाइस। अब हम इसके रेंज में कोई चेंज नहीं रहे हैं, रेंज का मतलब हो गया है कि y आपका 1 से -1 से 1 में है। तो पहले हम वो ले लेते हैं, -1 हुआ। ध्यान से देखिए ग्राफ को, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे, फैला देंगे। हाँ, फैला हुआ है ये। हाँ, सुनिएगा, अपनी वैल्यू अपने टाइम बाद रिपीट करेगा 0, 4 पाई। तो बीच वाला सर बीच वाला 2 पाई हो गया। साइन एक्स बाई टू का ग्राफ इस तरीके से देखेंगे, देखेंगे कि साइन एक्स बाई टू अपने ग्राफ को फैलाता है। इसका मतलब फैलाना होता है। हाँ, ऊपर नो चेंज मतलब वाई इक्वल टू ये 1 है तो ये भी वाई इक्वल टू -1 है। यानी कि पहले साइन का होता था वही ही इसके रेंज है। तो सर रेंज की बात करें तो हम रेंज की बात करें फंक्शन की, तो वो हो जाएगा आपका -1 से 1 में। सारी बातें बेसिक बेसिक हमने देख ली हैं। इन बातों से जेई में से क्वेश्चन नहीं थी है, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करती है। ये बेसिक है, ये बेसिक हमें आना चाहिए, और जब तक हम बेसिक को क्लियर तरीके से देख लेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएंगे।